विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजन समाचार और फजन समाचार के माध्यम से नवगठित नगर निकाय फुर्जगढ़ा के मुख्य पार्षद के सभी उम्मीदवारों के विषय में जाने विस्तार से। और इस कार्यक्रम को दिखाने का मेरा मकसद मुख्य रूप से यह है कि जब आप उम्मीदवारों को अच्छी तरह से जानेंगे पहचानेंगे तो आप सच्चे और अच्छे को चुनेंगे जो आपके क्षेत्र के विकास में एक नई गाथा को लिखेंगे। इसी सभी उम्मीदवारों को संबंध में विस्तार से जानने के लिए हमारे बीच हैं विनीत कुमार चौधरी उर्फ लल्टू जी। लल्टू जी, सबसे पहले मात्र एक दिन बचा है अब शेष चुनाव प्रचार का, लेकिन अभी तक जब हम क्षेत्र को घूमे तो अभी भी मतदाताओं को मुख्य पार्षद के सभी उम्मीदवारों के विषय में जानकारी नहीं है। इसका भी कुछ वजह है कि कुछ लाइमलाइट में है, कुछ लाइमलाइट में नहीं है। तो आप सिलसिलेवार ढंग से कर्मवार अनुसार उनका नाम, उनका पति का नाम, वो किस पंचायत से और किस गांव से आते हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है, सबसे पहले आप ये बताएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी सूरजगढ़ा नगर परिषद वासियों को मेरा प्रणाम। और देखिए, कल तक ही मात्र चुनाव प्रचार का समय है। कल 15 तारीख 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम सा जाएगा। 48 घंटा पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का नगर परिषद का नियमावली में कुछ उलटफेर किया गया है, तो कल से तो समाप्त हो जाएगा प्रचार और 18 तारीख को मतदान करने का है। तो सबों से पहले निवेदन है कि अपना 100% मत देने का प्रयास करें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत अवश्य दें। अब रह गई बात कि टोटल मुख्य पार्षद में 11 कैंडिडेट हैं। 11 जी, और चार पांच लोग ही नजर आते हैं। और नजर जो भी आ रहे हैं, मेरा मकसद जी कि फुर्जगढ़ा नवगठित नगर निकाय के सभी मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों के विषय में जानकारी मिले। मैं इसके बारे में बता देता हूं कि 11 कैंडिडेट है क्रमांक संख्या 1 से लेकर के क्रमांक संख्या 11 तक। तो प्रथम स्थान जो है क्रमांक का पहला, उसमें है पड़वी देवी प्रमोद पासवान की पत्नी, पूर्व में जो जकरपुरा पंचायत, जो चार पंचायत का गठबंधन हुआ है तब जाकर के एक नगर का निर्माण हुआ है, उसमें जकरपुरा पंचायत के वो मानुचक से ताल्लुक रखते हैं जिनका सिंबल है कपलेट। कपलेट साहब। दूसरा नंबर जो है वो है प्रेमलता देवी, जिनके पति का नाम राजेंद्र यादव, वो शोरीपुरा पंचायत से बिलोंग करते हैं और उनका घर चकमस्कन है, उनका सिंबल है मोटरसाइकिल। तीसरा स्थान जो है वो है मंजू देवी, जो दिवंगत कृष्णदेव पासवान की पत्नी है और उनका घर जो है भी जकरपुरा के मानुचक ही है, क्योंकि मानुचक का एक और नाम था तो मानुचक के ही है, उनका सिंबल है नल। चौथा स्थान है वो है रिंकू देवी, जो शैलेंद्र कुमार सिंह की पत्नी है, गोपालपुर से, इनका घर भी गोपालपुर है, इनका सिंबल है तालाचाबी। पांचवा स्थान है रूपम देवी, साजन कुमार सिंह सूरीपुरा से भी ताल्लुक रखते हैं, नया टोला सलेमपुर, इनका सिंबल है टमटमछा। उसके बाद छठा स्थान है रूपा देवी, अवध किशोर पासवान की पत्नी है, ये सूरीपुरा से पुरानी बाजार से आते हैं, जिनका सिंबल है प्रेशर कुकर। सातवां स्थान है विद्या भारती रविराज की धर्मपत्नी, ये भी गोपालपुर से हैं, गोपालपुर के कटेहर से हैं, सिलाई मशीन इनका सिंबल है। आठवां स्थान है शीला देवी वन, राज कपूर भाई पटेल सूरीपुरा
से ये भी ताल्लुक रखते हैं। इनका घर है पटेलपुर और इनका सिंबल है कबूतर छाप। उसके बाद जो नाम है नामा स्थान है फिर शिला देवी टू, ये सागर महतो की पत्नी है, पश्चिमी सलेमपुर के सलेमपुर ग्राम की है, इनका सिंबल है चरखा छाप। उसके बाद आता है दसवां स्थान में सलीमा खातून का, शाह मोहम्मद यासिर की ये पत्नी है, पश्चिमी सलेमपुर इनका घर है, मौलानगर इनका मैंने मौलानगर ग्राम इनका है और इनका सिंबल है चार ताई। और 11 और अंतिम जो नाम है वो है शुभिरा सजन कुमार सजन की पुत्री है, सूरीपुरा से हैं और नया टोला सलेमपुर से हैं, इनका सिंबल है टाइप राइटर। ये 11 टोटल कैंडिडेट, 11 टोटल कैंडिडेट। तो 11 में से मिलता जुलता नाम कहें या सेम नाम के कितने कैंडिडेट? सेम नाम के एक ही कैंडिडेट है, एक ही कैंडिडेट जैसे सेम जब एक ही नाम जैसे हो गया तो दो कैंडिडेट हो गए। हां सेम नाम के मैंने जो एक नाम है शीला देवी के नाम से दो नॉमिनेशन हुआ है, वन और टू। हां अब ये बताएं कि चार पंचायत मिलाकर के सूर्यग्रहण नगर निकाय का गठन किया गया जी, तो चार पंचायत में से किस पंचायत से कितने उम्मीदवार आए? सूर्यपुरा इसमें सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी पेश किया है, सूर्यपुरा से 5 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट। उसके बाद जो भी 3 पंचायत शेष बचा है सब उससे 2 कैंडिडेट, यानी सबसे बड़ी भागीदारी सूर्यपुरा की है, सूर्यपुरा की है उम्मीदवार के रूप में, उम्मीदवार के रूप में और पंचायत के भी पंचायत के रूप में, पंचायत में भी सबसे बड़ा पंचायत यही है, यानी जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के क्षेत्रफल जो भी हो जी। इसके बाद ये चीज कि ये जितने भी हैं कि राजनीति एक ऐसा चीज है कि कुछ लोग पहले से अपना क्षेत्र बना के रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक चुनाव में उतरते हैं या पूर्व से अपना मन बना के रखते हैं कि हमें भी चुनाव लड़ना है, तो इसमें से कितने उम्मीदवार हैं जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं? जैसे देखिए जनप्रतिनिधि रहे हैं, स्वयं रहे हों या उनके पति रहे हों, इस तरह का अगर आंकड़ा लेते हैं तो पूर्व में जो जीत चुके हैं उनमें 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट जी, और 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व में चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो 4 और 4 8 कैंडिडेट हो गए, शेष 2 कैंडिडेट जो इस बार हैं, 3 कैंडिडेट बचते हैं जो कि पहली बार इस फील्ड में हैं, उतरे हाँ नामांकन करवाए हैं, नामांकन करवाए हैं। तो इसमें ये चीज बता दीजिए कि पहले से जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका क्रियाकलाप या कार्यकाल जो भी रहा, वो छवि उनका जो भी रहा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए कौन कौन हैं जो कि पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं या वो रहे हो, उनके परिवार के कोई सदस्य रहे हो, वह महिला सीट होने के वजह से हो सकता है उनका पति हो या और भी कोई उनके परिवार से हो, तो उसमें से कौन कौन से? जैसे देखिए सबसे पहला नाम ऊपर से ही श्रृंखला में चलते हैं तो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं मंजू देवी के पति कृष्णदेव पासवान एक ही व्यक्ति हैं जो कि जगरपुरा पंचायत के मुखिया रहे। दूसरा नाम है रिंकू देवी जो स्वयं रही हैं जिला परिषद जी, और तीसरा जो नाम है वो है शीला देवी वन जो राज कपूर भाई पटेल की पत्नी है, सूर्यपुरा, ये सूर्यपुरा की मुखिया 10 साल रही जी, और एक हैं सलीमा खातून जिनके पति का नाम है शाह मोहम्मद यासिन उर्फ गुड्डू मुखिया है या जी गुड्डू मियां का जी, हाँ हाँ ये भी मैंने निवर्तमान मुखिया रहे, हाँ कृष्ण देव पासवान भी निवर्तमान मुखिया और शीला देवी भी निवर्तमान, हाँ बस एक जो है रिंकू देवी जो है वो पूर्व में जिला परिषद रही है जी। और इसके बाद ये चीज सबसे बड़ा अहम है कि अभी क्षेत्र में इस चीज की चर्चा है कि 11
उम्मीदवार हैं सभी कोई जान रहे हैं, 11 का नाम नहीं जान रहे थे और 11 का चुनाव चिन्ह छाप नहीं जान रहे थे जी। और अभी भी नगर इससे पूर्व विगत वर्ष पंचायती राज का चुनाव हुआ था तो उसमें क्या था कि ईवीएम के माध्यम से भी और बैलेट पेपर के माध्यम से भी मतदान कराया गया जी। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से गया तीनों पद के लिए ईवीएम के माध्यम से ही होगा जी। अब ईवीएम सेम है, उसका कलर भी सेम रहेगा, लेकिन उसका जो साइड से एक कहा जाए कि घेरा दिया जाता है, बैकग्राउंड जो बनता है जिससे कि स्पष्ट रूप से मतदाता समझे कि ये मुख्य पार्षद के लिए, ये उप मुख्य पार्षद के लिए और ये वार्ड पार्षद के लिए, कि इसका कलर अभी तक मतदाता को स्पष्ट नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सभी उम्मीदवार जो है वो अपने अपने सिंबल को बताने में व्यस्त हैं, लेकिन चुनाव को भी चाहिए था कि इस पे एक प्रेस विज्ञप्ति कर देते ताकि मतदाता स्पष्ट रूप से इसको समझते, उनके अंदर उलझन और कंफ्यूजन नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि आप जो है इसको सिर्फ तीन पद है, तीनों पद का जो भी ईवीएम का घेरा होगा उसका कलर क्या होगा। देखिए इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि इसका एक डेमो तैयार करके पूरे क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, चाहे लखीसराय में चुनाव हो रहा है, सूर्यधार में चुनाव हो रहा है और भी जगह जहाँ भी चुनाव होगा, पूरे बिहार में हो रहा है, पूरे बिहार में जहाँ भी हो रहा है या होगा, सभी जगह इसका एक डेमो प्लान तैयार करके गाड़ी पे लोड करवा के पूरे नगर में इसको जो है इसका एक राउंड अप करवा देना चाहिए था ताकि इन्फॉर्मेशन जो है सब हमको सही तरीके से मिले, लेकिन नहीं हुआ। ये अब सिस्टम की बात है, इस पे कोई प्रश्न नहीं अभी कर सकते हैं, जो मुद्दा है अभी उस पे बात करते हैं। तो मैं अपने जानकारी के अनुसार बता दूं कि मुख्य पार्षद का जो बैकग्राउंड कलर होगा ना वो येलो होगा, पीला कलर। तो पीला वाला जो जिस जहां आप ईवीएम के पीछे का जो बैकग्राउंड अगर पीला देखें तो ये समझ जाएं कि ये मुख्य पार्षद का ईवीएम है। जहां आसमानी कलर का बैकग्राउंड नजर आ जाए उसे समझ लेना है कि वह जो है उप मुख्य पार्षद का ईवीएम वहां है, और जहां व्हाइट यानी उजला कलर का बैकग्राउंड नजर आएगा वो पार्षद यानी वार्ड पार्षद जिनको कहते हैं उनका बैकग्राउंड कलर है। यही तीन तरह से डिवाइड किया गया है सिस्टम के द्वारा कि ताकि आप पहचान कर सके, जान सके कि कौन सा ईवीएम किनका है, क्योंकि तीन सिंबल होगा, तीन सिंबल पे मतदान करना है लोगों को। जागरूकता फैलानी चाहिए थी क्योंकि बिना जागरूक किए लोग मतदान सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, मतदान सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसके ये भी है कि इसका ये वो अलग मामला है, लेकिन जागरूकता फैलानी चाहिए उम्मीदवारों को भी और आयोग को भी जी। आप एक चीज और जो जनता के मन में होती है और जब चुनाव जीत करके आते हैं लोग या पूर्व में भी जो आंकड़ा उम्मीदवारों के द्वारा पेश किया जाता है अपने नॉमिनेशन में, तो उसी आंकड़ा को हम लोग लेके चलते हैं। तो इस चुनावी आंकड़ा को जो पेश किया गया, अपना बायोडाटा उम्मीदवार के द्वारा दिया गया, उस डाटा के अनुसार इस 11 उम्मीदवार में से सबसे अधिक लक्ष्मी की यदि कृपा किस उम्मीदवार पे है, या यूं स्पष्ट रूप से कहें कि सबसे धनवान उम्मीदवार मुख्य पार्षद में से कौन है? सबसे ज्यादा डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑन कैश बैंक बैलेंस या इकोनॉमिकल बेसिस देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है अगर पैसा किन्हीं के पास है तो वो सलीमा खातून, शाह मोहम्मद यासीन की पत्नी, इनके नाम से ही इनके उनके बैंक अकाउंट में उनके प्रॉपर्टी और सारा चीज का मुआयना करते हुए ये आंकड़ा आ रहा है कि सबसे अधिक धनवान उम्मीदवार हैं तो सलीमा खातून, शाह यासीन की धर्मपत्नी। ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से सभी उम्मीदवारों का डाटा तैयार किया और सुजन समाचार के साथ
साझा कर रहे हैं। आप एक चीज और सिर्फ मेरे मन में चल रहा है कि अभी तक बस सिर्फ एक दिन ही शेष बचा है चुनाव प्रचार का, और अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चला, और हम उम्मीद करें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चले भी नहीं, और एक मिसाल पेश हो कि सूरजगढ़ा में पहली बार नवगठित नगर निकाय चुनाव में एक आदर्श चुनाव संपन्न हुआ। देखिए, ये सभी सूरजगढ़ा के मतदाता जो है जागरूक मतदाता है, और जितने भी उम्मीदवार हैं सबों का सबों से एक अच्छा संबंध है, किन्हीं का किन्हीं से कोई बेमनस्ता नहीं है, तो इस कारण से भी कोई भी किसी पे जो है किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, ये तो मत की लड़ाई है, मत की लड़ाई, तो मत की लड़ाई में की लड़ाई को मन की लड़ाई बनाना ये तो सबसे बड़ी गुणवत्ती होगी कि मत की लड़ाई है, मत की लड़ाई रहने दें, मन की लड़ाई नहीं बनाए, ताकि समाज में जो एक सौहार्द की भावना है वो व्याप्त रहे, वो टूटे ना, वो खत्म ना हो समाज में। एक चीज और कि उम्मीदवार 11 है, लेकिन 11 में से कुछ उम्मीदवार जो हैं जिनका कहीं भी पोस्टर या किसी भी माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, इस पे आप कुछ कहें। देखिए, वो तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार है जिनका कि सिर्फ नॉमिनेशन करवा दिया गया है जानबूझ करके, ताकि वो किन्हीं का वोट कुछ कट जाए, वोट डाइवर्ट करने, डाइवर्ट करने के ख्याल से जो है सो वो उम्मीदवार का नॉमिनेशन करवा दिया गया है ताकि वोट डाइवर्ट हो। ये उम्मीदवारों का अपना चाल, अपना राजनीति, अपना गणित है, अपना अपना गणित है, इस गणित के लिए किया गया है। लेकिन कहा जाए कि एक तरह से 5 या 6 का ही चुनाव प्रचार में सक्रियता दिख रही है, बाद बाकी की सक्रियता नहीं दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लल्टू जी की बीच बीच में आप जो है सो सजग समाचार को अपना कीमती समय देने के लिए, और भविष्य में हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी देते रहे। धन्यवाद।